वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज डे टू है उज्जैन में। सो पर्टिकुलरली आज हम लोग लोकल उज्जैन पूरा घूम के देखने वाले और आप लोगों को भी ये जर्नी में साथ लेके जाने वाले हैं। तो कल जैसे आपने देखा, हमने महाकालेश्वर उज्जैन का हमने दर्शन लिया, तो उसके बारे में भी मैंने बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दी है। उसके अलावा आज लोकल में आप उज्जैन में कहाँ कहाँ पर घूम सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उज्जैन में लोकेशंस कौन सा है, कहाँ पे रुक सकते हो आप, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो पे देने वाली हूँ। सो आज की जो हमारी सवारी है वो बस 400 रुपीस की सवारी है और वो है सुभाष शर्मा जी। हाय कह दीजिए सुभाष जी। और जय श्री महाकाल। हिंदू धर्म के अनुसार उज्जैन में कई सारे मंदिर है जो हजारों साल पुराने है, और इन मंदिरों में दर्शन लेने का एक बेस्ट और फिजिबल तरीका है ऑटो। ऑटो वाले 400 से लेके 600 तक चार्जेस लेंगे और 6 मंदिरों में आपका दर्शन करवा देंगे। सो आई गेस दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। पहला जो स्टॉप हम लोग आए हैं फॉर डे टू इज गढ़काली का मंदिर। जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, इट इज दैट टेम्पल। तो अंदर के व्यू के साथ मैं उसका इन्फॉर्मेशन भी आप लोग से शेयर कर। उज्जैन जंक्शन से 5 किलोमीटर की दूरी पर गढ़कालिका देवी का मंदिर आपको मिलेगा, जिसे कई लोग उज्जैनी महाकाली के नाम से भी जानते हैं। गढ़कालिका देवी महाकवि कालिदास जी की इष्ट देवी थी और वो अक्सर यहाँ दर्शन के लिए जरूर आया करते थे। देवी माँ का ये मूर्ति इस मंदिर से भी कई साल पुराना माना जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग जो आए हैं सेकेंड लोकेशन पे, दैट इज़ भर्तरी गुफा, जो जहाँ पे विक्रमादित्य के बड़े भाई एक्चुअली थे भर्तरी जी। यहाँ पे उन्होंने 12 साल तपस्या की है, तो यहाँ पे उनका गुफा है। और एग्जैक्टली उसके पैरेलल लेन पे ही आपको और एक मंदिर मिलेगा नवनाथ जी का। तो हम लोग पहले वहाँ पे आए हैं दर्शन के लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं गुफा के तरफ। इफ़ यू कम अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 5:36 or 6:30, आई एम प्रीटी मच श्योर कि बिल्कुल आपको भीड़ नहीं मिलेगी, तो आप बहुत अच्छा दर्शन ले सकते हो। भर्तरी जी, जो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, अपने गुरु के कहने पर उन्होंने अपना राज्यपाट अपने भाई विक्रमादित्य को सौंपकर तपस्या के लिए इसी गुफा में 12 साल उन्होंने बिताया। भर्तरी जी यहीं से चारधाम यात्रा के लिए निकलते थे, जिसका रास्ता आज भी अंडरग्राउंड में है। बाहर जितना ठंडा आपको लगेगा, उतना ही गुफा में जब आप जाओगे आपको उतनी ही घुटन सी महसूस होगी। जहां हवा का नामो निशान तक नहीं है, ऐसे जगह पर उन्होंने 12 साल बिताया। इसीलिए उज्जैन के टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स में भर्तरी गुफा का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। टाइमिंग तो आप देख ही सकते हो, सुबह का एकदम अर्ली मॉर्निंग, नॉट लाइक अर्ली मॉर्निंग, ऐसा नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 6:37 नाउ। 6 बजे कुछ हम लोग घर से निकले थे, गढ़कालिका टेम्पल किया और भर्तरी गुफा किया, और यहाँ पे ये ऐसे स्टेप्स है, सो आपको नीचे उतर के ऊपर चढ़ना वगैरह पड़ेगा। जो अगले स्पॉट में हम लोग आए हैं, दैट इज़ दी वेरी आइकॉनिक एंड वेरी फेमस टेम्पल ऑफ उज्जैन, जो कोतवाल भी कहते हैं। नॉट कोतवाल प्रिसाइसली, कोतवाल एक्चुअली है काशी में, और ये सेनापति है, दैट इज़ काल भैरव जी के मंदिर में हम आए हैं, जो सिप्रा नदी के यहीं पे है। तो दिस इज़ बेसिकली द सिप्रा नदी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये रहा आपका काल भैरव। काल भैरव एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ प्रसाद के तौर पर दारू चढ़ाया जाता है। काल भैरव जिन्हें उज्जैन शहर के सेनापति कहते हैं, लाखों लोग जो उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं, वो सभी काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए भी जरूर आते हैं। मराठाओं का साम्राज्य कई साल उज्जैन में था, जो काल भैरव के मंदिर के एंट्रेंस को देखकर ही आपको समझ जाएगा। मंदिर के दीवारों पर मालवा पेंटिंग्स भी एक जमाने में हुआ करती थी।
आज भी काल भैरव की पगड़ी मराठा स्टाइल में ही आपको दिखेगी। मंदिर के ठीक राइट हैंड साइड पे आपको शिप्रा नदी मिलेगी, जो इस मंदिर की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाती है। मंदिर के बाहर आपको कई सारे दारू के दुकान मिलेंगे, जहां से लोग दारू खरीद कर पूजा के थाली में उसको रखकर काल भैरव को देते हैं। नेक्स्ट लोकेशन पे हम लोग आए हैं, दैट इज़ नन अदर दैन सिद्धवट। एंड यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो बीन सेड कि यहाँ पे खुद पार्वती माँ का हाथ लगा हुआ है ये पर्टिकुलर वृक्ष पे। तो जब भी यहाँ पे आप अंदर जाओगे तो उन्होंने एक मार्बल जैसा बांधा हुआ है और उसी पे वो वृक्ष है, तो वहाँ पे आप दर्शन भी ले सकते हो। और बाजू में गणपति जी का भी मूर्ति है, तो दर्शन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर अर्ली मॉर्निंग में आते हो तो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा एकदम दर्शन। सिद्धवट घाट से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी है और कई लोग जो मध्य प्रदेश राज्य में रहते हैं वो यहीं आकर पोस्ट फ्यूनरल राइट्स, जिसे अंतिम संस्कार हिंदी में कहते हैं, वो सिद्धवट में आकर करते हैं। पुराणों में सिद्धवट को प्रेत शिला तीर्थ के नाम से जानते हैं। जैसे आपने अभी देखा, यहाँ पे सिद्धवट के साथ आप सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का भी दर्शन ले सकते हो। थोड़ा बाहर के बाजू में ही है, बट आपका अच्छा खासा दर्शन हो जाएगा। जो हम स्टॉप पे आए हैं, दैट इज मंगलनाथ मंदिर, जहाँ पे अगर किसी का मांगलिक दोष रहा तो यहाँ पे उसका निवारण किया जाता है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है एक्चुअली, जब भी आप अंदर जाओगे तो पूरा क्लियरली आपको दिखेगा। इट इज़ टू ब्यूटीफुल। एंड नीचे से मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे मंदिर है, सो आई विल जस्ट शो यू हाउ इट लुक्स। Absolutely obsessed with my name written almost everywhere in Ujjain. प्राइम स्पॉट पे हम आए हैं, दैट इज संदीपनी आश्रम, और यहीं से भगवान श्री कृष्ण जी ने शिक्षा ली थी और यहीं पे उनका सुदामा से भी मिलना हुआ था। तो यहाँ पे पूरा एक आश्रम बना हुआ है, जहाँ पे 64 लर्निंग्स जो लिया है भगवान श्री कृष्ण ने, उसके बारे में पूरा उन्होंने डिपिक्ट करके पिक्चराइजेशन में उन्होंने पूरा क्लियरली बताया हुआ है। तो इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि पेंटिंग्स तो इट इज़ लाइक टू द नेक्स्ट लेवल। तो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम हियर। महर्षि संदीपनी, जो भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम और सुदामा के गुरु थे, उनके याद में ये संदीपनी आश्रम बांधा गया है। महाभारत के अनुसार महर्षि संदीपनी जी ने ही भगवान श्री कृष्ण को इसी जगह पर शिक्षा दी थी। सर्वेश्वर महादेव का मंदिर आश्रम के ठीक अंदर है, जो 6000 साल पुराना शिवलिंग है, जिसे संदीपनी जी और उनके शिष्य पूजते थे।
टोटल देर आर 64 आर्ट फॉर्म्स एंड 12 लर्निंग्स जो भगवान श्री कृष्ण जी को इस पर्टिकुलर लोकेशन से मिला था। तो कई साल उनका बचपन यहीं से गुजरा है और यहीं पे आपको राइट एग्जैक्टली इन दिस साइड यू गेट गोमती कुंड ऑल्सो। आर्ट फॉर्म्स आई एम प्रीटी मच श्योर जो मुझे भी नहीं पता और आप लोग में से किसी जन को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहेगा। पहली बार मैं इनफैक्ट नाम सुन रही हूँ। सो डेफिनेटली अगर आप उज्जैन आते हो तो आई गारंटी यू दैट अगर आप यहाँ पे आओगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ आर इंडियन कल्चर। महाकालेश्वर मंदिर के प्रेमाइसेस में ही हर सिद्धि माता मंदिर है और नवरात्रि के समय यहाँ दर्शन के लिए आना अपने आप में एक अनुभव माना जाता है। मराठा साम्राज्य के दौरान मराठाओं ने ही इस मंदिर की पूरी देखभाल की थी। महाकालेश्वर मंदिर से एग्जिट जब आप करोगे बाहर के तरफ आकर राइट हैंड साइड में ही आपको बड़े गणेश जी का मंदिर दिखेगा। बड़े गणेश जी की मूर्ति 18 फीट ऊंची है और मंदिर के अंदर पंचमुखी हनुमान का भी मूर्ति है। मुंबई में जिस तरह से गणेश चतुर्थी के वक्त गणेश जी की बड़ी से बड़ी मूर्तियां लाई जाती है, ठीक उसी तरह गणेश जी की ये मूर्ति है जो शायद ही किसी मंदिर में आपको देखने मिलेगा। करती हूँ कि उज्जैन का ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जल्द ही मिलते हैं एक नए शहर में।